तो दोस्तों यहाँ ऑफिशियली जुड़ गई है दीपिका फिल्म सिंघम 3 से। जी दोस्तों यहाँ रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स में लेडी कॉप के तौर पर जुड़ने जा रही है दीपिका पादुकोण। यार एक ना अभी जो हम नेक्स्ट फिल्म बना रहे हैं, सबको पता है अगली फिल्म कौन सी है, कॉप यूनिवर्स की सिंघम है। और हर बार एक ही सवाल पूछा जाता है मुझसे कि लेडी सिंघम कब आएगी, लेडी सिंघम कब आएगी। तो सिंघम अगेन में लेडी सिंघम आएगी। $1 million सवाल हो गया यार, उससे भी ज्यादा। श्रवण थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट। यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। शी इज माय लेडी कॉप फ्रॉम द कॉप यूनिवर्स। वाओ। एंड या सो अगली बार हम अगले साल ही साथ में काम कर रहे हैं। क्या बात है, हो जाए यार तालियां, हो जाए एक बार जोरदार जोरदार तालियां हो जाए। कॉप यूनिवर्स में आई है लेडी कॉप। और एक एक कैरेक्टर एडिट करना था तो हमने फिर सोचा मेरे बिना पिक्चर बनेगी नहीं। यस, तो यहाँ हाल ही में खुद रोहित शेट्टी यहाँ पर कंफर्म करते हुए दिख रहे कि अब फिल्म सिंघम 3 में दीपिका हमें दिखने वाली है और यहाँ इसके बाद दीपिका को लेकर वो एक सोलो फिल्म भी बना सकते हैं। जस्ट तो यहाँ पर रोहित शेट्टी का कहना था कि हाँ उनको इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि उनके कॉप यूनिवर्स में लेडी कॉप के तौर पर कौन दिखेगी। तो यहाँ दीपिका जो कि उनकी यूनिवर्स में लेडी कॉप के तौर पर जुड़ रही है और वो 2023 में दीपिका के साथ शूटिंग भी करने वाले है। और यहाँ फिल्म सिंघम 3 में लेडी कॉप यानी क्या दीपिका की पहली झलक हमें देखने को मिल जाएगी। तो उसमें सिंघम 3 में केवल अजय देवगन ही नहीं बल्कि यहाँ दीपिका भी हमें एक्शन करती हुई दिखेगी और यह सिंघम 3 के साथ ही रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में एक और चेहरा जुड़ जाएगा। इसमें सिंघम 3 में दीपिका के जुड़ने से ये तो पक्का हो जाता है, जहाँ एक तरफ एक एक्ट्रेस के तौर पर दीपिका हमें दिखेगी लेकिन यहाँ पर अजय देवगन के साथ ही करीना कपूर की भी एक बार फिर से वापसी हो सकती है। यानी कि सिंघम 3 में हमें करीना कपूर और दीपिका दोनों ही दिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ फिलहाल तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और यहाँ इसी के साथ ही सिंघम 3 और भी ज़्यादा मच अवेटेड बन रही है। तो इसमें तो क्या भी एक्साइटेड रहने वाले हैं। सिंघम 3 में अजय देवगन के साथ ही पहली बार लेडी कॉप बनी हुई दीपिका को देखने के लिए। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।